वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं समर स्पेशल मैंगो मलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जूस सेंटर्स में बहुत ही महंगे दामों पर मिलता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक मीठा आम ले लेंगे। इसे मैंने ग्राइंडर के जार में डाल दिया है, जूस वाले जार में। इसमें ऐड करेंगे क्वार्टर कप शक्कर और 2 टेबल स्पून ठंडा दूध, और इसका एक गाढ़ा सा हमने पल्प बनाना है, इसका प्यूरी नहीं बनाना है। और इसमें ऐड करेंगे 1/2 पैक फ्रेश क्रीम का, यानी 100 ग्राम, और अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरा आम ज़्यादा मीठा नहीं है तो मैंने शक्कर ऐड की है, आपका आम मीठा हो तो आप ना ऐड करें। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून होममेड कंडेंस मिल्क, आपके पास में जो भी कंडेंस मिल्क हो इसमें आप ऐड कर दें। अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटे आम के बिल्कुल छोटे करे हुए पीसेस, मैंने थोड़े से ज़्यादा ऐड किए हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्वीटेंड खोआ, यानी जो खोआ है ये शक्कर वाला है, अगर आपके पास का खोआ शक्कर वाला नहीं है तो आप थोड़ी सी शक्कर और ऐड कर लें, और अच्छे से अब इसको मिक्स कर लें। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये मलाई मैंगो है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के गाढ़ी मलाई। अब इसको हमने फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। अब हम इसको सर्व करेंगे, तो जो भी सर्विंग बाउल है आप उसको ले लें, उसमें थोड़ी सी प्यूरी जो आम की है वो ऐड कर दें, और उसके ऊपर से हम ये ऐड करेंगे जो हमने मैंगो मलाई बनाकर तैयार किया है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। जैसे कि नाम से जाहिर है मलाई, तो खूब सारी मलाई ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा खोया। तो जैसे मैंने आपको कहा, जूस सेंटर वगैरह में ये बहुत ही हाई प्राइस में मिलता है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है और घर की चीज़ों से बनकर तैयार हुआ है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और थोड़े से कटे हुए आम के पीसेस, और सर्व कर देंगे चिल्ड इसको। बहुत ही मज़ेदार आम मलाई बनकर तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी ये टेस्टी रेसिपी। और रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स को जिनको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गर्मियों में आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।